हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से हमारे व्यूवर्स जो हैं हमें इंस्टाग्राम पे पिंग करते हैं, हमें वीडियो के कमेंट्स में बोलते हैं कि उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्पेसिफिकली आपने पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो है कि कौन से एरियाज़ में कहाँ रहना चाहिए लंदन में। जब मैं आया था तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे लोग ज़्यादा जानने वाले नहीं थे और ख़ुद से मैंने सारी रिसर्च करी थी और कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मेरी हेल्प कर सकता। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी मुझे उस टाइम पे, ना मुझे एरियाज़ का पता था कहाँ रहूँ, कैसे रहूँ, क्या करूँ। इसी के लिए मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं इंस्टाग्राम पर। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं या कॉमेंट्स में हमसे पूछते हैं कि यही क्वेश्चन कि किस एरिया में रहें, कैसे रहें, कहाँ रहें। ये वीडियो उसी की चीज़ के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक डिसलाइक कुछ करें ताकि ये वीडियो एल्गोरिथम को पता चले कि और भी लोगों की हेल्प कर सकती है। लाइक करें या डिसलाइक करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको ये हेल्पफुल लगी तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजरली जब भी आप यहाँ पे लंदन, ये स्पेसिफिकली पहले मैं बता दूँ ये लंदन के बारे में, लंदन में एरियाज़ कैसे चूज़ करें कि कहाँ पर रहना है कहाँ नहीं रहना है। तो मैंने अपनी रिसर्च करके ये लिस्ट बनाई थी और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने कैटेगरी के लिए तीन ब्रैकेट्स में रखा है जो भी लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलर्स को, एक्सपैट्स को। तो फर्स्ट हैं जो कि बिल्कुल बैचलर्स हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई, सिंगल हैं। सेकेंडली जो कपल हैं, मैरिड हैं लेकिन दे डोंट हैव किड्स। एंड थर्डली वो पीपल जिनके किड्स भी हैं। तो ये तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इन लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सिंगल्स की। जब भी सिंगल एक्सपैट लंदन में आते हैं उनके पास तीन ऑप्शंस होती हैं। बेसिकली वो पैसा बचाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके पास तीन ऑप्शन है। एक तो है वो फ्लैट शेयर में रह सकते हैं, एक है या वो तो स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हैं, या थर्डली वो एक वन बेडरूम ले सकते हैं अकेले रहने के लिए। तो सेकंड है, अगर आप कपल हैं तो आपके लिए आई गेस दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो आप स्टूडियो ले सकते हैं या आप वन बेडरूम ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड कि आपको कितनी कितनी प्रॉपर्टी की, कितने लैंड की, कितने एरिया की एक्चुअली ज़रूरत है। थर्डली आते हैं द फैमिली, तो उनके लिए आई गेस मिनिमम ऑप्शन वन बेडरूम तो है ही, और आप वन बेडरूम या टू बेडरूम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स देख सकते हैं। रियली जो सब पे एप्लीकेबल होगा, हर तरह के बंदे पे एप्लीकेबल होगा, वो ये है कि वहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स होने चाहिए आसपास, आपका पार्क्स होने चाहिए या थोड़ी एमिनिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे आपको ट्रेन से अगर ट्रैवल करना है सेंट्रल लंदन में, आप जब नए आएंगे तो आपको ट्रेन से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड मोस्टली यहाँ पे जो भी रहता है सेंट्रल लंदन जाने के लिए ट्रेन ही लेता है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी लेके जाना बहुत मुश्किल है। एक तो चार्जेस बहुत हैवी हैं वहाँ पे, आपको जाने के कंजेशन चार्जेस और पोल्यूशन चार्जेस और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट योर कार इन द सेंट्रल लंदन। तो इसलिए लोग हर कोई ट्रैवल करता है ट्रेन से। ट्रेन से ट्रैवल करने के भी खर्चे अलग हैं। तो ये जोन वाइज डिवाइडेड है सारी लंदन की ट्रेन, सो जोन वन, जोन टू, जोन थ्री, जोन फोर। जैसे जैसे आप दूर दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो खर्चा है, आपका टिकट का आने जाने का खर्चा, वो बढ़ता रहेगा। जोन टू जोन वन से महंगा है, थ्री टू से, एंड सो ऑन। इन्हीं सारे क्राइटेरियाज को लेके मैंने कुछ एरिया शॉर्टलिस्ट करे हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। तो चलिए मैप पे चलते हैं और मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सा एरिया कैसा है और क्या क्या वहाँ की अमेनिटीज़ हैं जो आप देख सकते हैं, आपको अच्छी लग सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट लंदन की, जो कि जहाँ यहाँ पे एरियाज़ पड़ते हैं जो कि हैं इल्फर्ड, बार्किंग एरिया है, ईस्ट हैम है, अपटन पार्क है। तो ये मेजरली चार पांच एरियाज़ हैं। तो हम बात कर लेते हैं इल्फर्ड। इल्फर्ड पड़ता है जोन फोर में। आप समझ सकते हैं कि जोन टू से जोन फोर महंगा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रेंट भी महंगे होंगे। रेंट डिफ़र करते हैं हर जगह से जगह, बट मोस्टली एक रेंज है, उसी में ही रहते हैं। इल्फर्ड के पास ही एक एरिया है ईस्ट हैम, और अपटन पार्क और बार्किंग ये सब आसपास ही हैं। अपटन पार्क और ईस्ट हैम थ्री में पड़ता है, बार्किंग जोन फोर में पड़ता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ का रेंट कितना है। तो अगर आप वन बेडरूम ढूंढ रहे हैं तो वन बेडरूम आपको 1100 से स्टार्टिंग में मिल जाएगा, और रेंज आती है टू बेडरूम की मैक्सिमम 1400 तक, 1500। बट वही है कि आप अगर बहुत ज़्यादा लेविश वाला लेना चाहते हैं तो उसके भी 1500 1600 में मिल जाएगा। बट मेजरली मैं आपको काफ़ी कॉमन बता रहा हूँ, जो कि मतलब हम जैसा कोई भी बंदा आता है अगर लंदन में पहली बार, तो वो कितना खर्चा पे करना चाहता है या क्या उसके लिए थोड़ा सही प्राइस रहेगा। तो हम इस एरिया के प्रॉज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। पहले तो मैं इस एरियाज़ की बात बता दूं कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इंडियन पाकिस्तानी लोग बहुत से हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, इंडियन ग्रॉसरी बहुत ही इजीली अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स हैं, टेंपल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, गुरुद्वारा है इल्फर्ड के अंदर, मस्जिद है,
तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपको इंडियन कम्युनिटी का एहसास करवाती हैं। थिएटर्स हैं इल्फर्ड में, थिएटर्स भी हैं, हाई स्ट्रीट भी है। हाई स्ट्रीट बोले तो जहाँ पे क्या कहते हैं आपको सारी बड़ी बड़ी शॉप्स मिल जाएंगी शॉपिंग करने के लिए, तो बेसिकली आपको वहाँ पे सब कुछ ही मिल जाएगा एक तरह से। तो हाई स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे, इन हर एरियाज़ में कुछ कुछ पार्क्स हैं, तो उस हिसाब से एरिया ये उस एरिया के प्रॉज हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स की, इन एरियाज़ को क्यों ना चुने। द फर्स्ट एंड द मेजर इज़ कि वहाँ पर क्राइम रेट थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ बहुत बार न्यूज़ में आता रहता है कि वहाँ पे इल्फर्ड में स्टैबिंग हो गई या बार्किंग में कुछ शरारती तत्व मिले हैं, और मतलब कुछ ना कुछ कोई पुलिस की रेड हो रही है, कुछ कुछ हो रहा है, ड्रग्स हैं ये वो, तो इसलिए ये थोड़ा एरिया जो है बुरा है इस मामले में। हाँ, तो मेजरली तो सेफ्टी वाइज इतना अच्छा नहीं है। सेकेंड जो कॉन है वो ये है कि आपको लंदन फील नहीं आएगी, आपको लगेगा कि आप इंडिया के ही किसी लोकेशन पे हैं। इन लोगों को थोड़ा मिक्स कल्चर चाहिए, मिक्स क्राउड चाहिए, तो उनके लिए ये थोड़ा कॉन है कि उनको ये एरिया इतना पसंद नहीं आएगा। चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया की जो कि नॉर्थ वेस्ट लंदन में पड़ता है, उसमें एरियाज़ आते हैं वेम्बली, हैरो, हैरो ऑन हिल, मेनली ये एरियाज़ हैं। कि रेंट की भी अगर बात करें वो थोड़ा एक्सपेंसिव है इल्फर्ड या बार्किंग एरिया से, तो उसके रेंट स्टार्ट होते हैं ऐसे 1200, 1250, 1300 से, वन बेडरूम की मैं बात कर रहा हूँ, और दे कैन गो अप टू लाइक 14, 15, 16, 17 अराउंड ये रेंट्स हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। वेम्बली में तो आपने सुना ही होगा, वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेडियम है जहाँ पे अभी यूरो कप का फाइनल भी हुआ था, और बहुत से मैचेस होते रहते हैं, बहुत से इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, बहुत बड़ा स्टेडियम है वहाँ पे। उस जगह की जो अच्छी बात ये है, वहाँ पे ग्रॉसर्स ईजिली अवेलेबल हैं, इंडियन ग्रॉसर्स, इंडियन लोग फिर से वहाँ पे बहुत हैं, कम्युनिटी बहुत बड़ी है वहाँ पे, और आपको मंदिर मिल जाएगा, सब चीज़ें वहाँ पे खाने पीने की मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, थिएटर्स हैं वहाँ पे, वहाँ पे आउटलेट्स बहुत हैं, तो शॉपिंग का भी बहुत ईजी है। हाई स्ट्रीट भी उनकी बहुत बड़ी है, और वहाँ पे एक स्ट्रीट है जो कि जहाँ पे आपको सब स्ट्रीट फूड टाइप भी मिल जाएगा, देसी इंडियन स्ट्रीट फूड। ये मोस्टली प्रॉज हैं वेम्बली के, बहुत से लोग वहाँ पे रहना पसंद भी करते हैं और काफ़ी इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, तो ये एक अच्छा एरिया, स्कूल्स भी अच्छे हैं उस एरिया में, तो आप उस एरिया को भी ट्राई कर सकते हैं। एक कॉन उसका, एक जो मैं बताऊँ जो मुझे एक्चुअल में उसका कॉन लगता है, मे बी कईयों को नहीं लगता हो, कि वो थोड़ा सा सिटी से दूर है, वो भी Zone 4 पड़ता है, लेकिन वहाँ से सेंट्रल लंदन आने में कुछ टाइम लग जाता है। कुछ फास्ट ट्रेन है, मेट्रोपॉलिटन ट्रेन्स हैं जो कि फास्ट चलती हैं और आपको कम टाइम में पहुंचा देती हैं, लेकिन कई स्लो ट्रेन्स भी हैं जो थोड़ा टाइम लेती हैं, अराउंड 50-60 मिनट्स भी कई बार लग जाते हैं, तो आई गेस ये एक उस एरिया का थोड़ा कॉन है। जोन फोर में हैं और आप थोड़ा दूर रह रहे हैं, तो उसका एक ये भी है कि वहाँ का जो ट्रैवल के चार्जेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अगर आप पास बनवाते हैं तो 200 का पास बनता है वेम्बली से आपका सेंट्रल लंदन आने के लिए, और मोस्टली इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे, और क्राइम थोड़ा सा कम है, क्राइम इतना नहीं है जितना कि आपको अभी मैंने बताया। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईस्ट साइड की। ईस्ट साइड लंदन का पड़ता है मेनली कैनरी वॉर्फ और रॉयल डॉक्स का एरिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेंट ऑन द अपर साइड है, क्योंकि कैनरी वॉर्फ पड़ता है Zone 2 में और रॉयल डॉक्स पड़ता है Zone 3 में। रेंट स्टार्ट होते हैं अराउंड 1300 में कैनरी वॉर्फ में, और रॉयल विक्टोरिया या रॉयल डॉक्स की बात करें तो वहाँ पे 1250 और 1300 के आसपास का रेट नॉर्मली आपको मिल जाता है। अब मैं इनको दोनों को अलग अलग थोड़ा डिवाइड करके बात करूँगा, क्योंकि ये थोड़े एरियाज़ अलग अलग हैं। फर्स्ट थिंग है यहाँ इन दोनों एरियाज़ की ब्यूटी, क्योंकि ये थेम्स रिवर के बिल्कुल बैंक्स पे बने हुए हैं, तो बहुत अच्छे व्यूज़ हैं बिल्डिंग्स के, अपार्टमेंट्स के, आपके यहाँ पे पार्क्स बहुत लश ग्रीन है, बहुत सुंदर पार्क्स हैं, और मतलब ये एरिया ही टोटली बहुत ही अच्छा है देखने में, और मतलब गुड फील आती है यहाँ पे। कैनरी वॉर्फ में बहुत से रेस्टोरेंट हैं, आप जिसका नाम लें वहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, एंड काफ़ी लोगों के ऑफिसेज भी हैं। कैनरी वॉर्फ एक बिजनेस हब भी है, तो काफ़ी लोग वहाँ पे ऑफिस होते हैं, तो वहाँ से ट्रैवल और कम्यूट, अगर आपको ट्रेन से नहीं जाना, आपको पैदल ही जाना है, तो आप कैनरी वॉर्फ में रह सकते हैं। अच्छी लोकेशन है वो रहने के लिए, और अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको उसकी फोटोज़ में पता चल जाएगा कि काफ़ी अच्छा एरिया, काफ़ी हैपनिंग एरिया है, काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं, और रॉयल डॉक्स भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे थोड़ा आपको कैनरी वॉर्फ से रश कम लगेगा, यहाँ ऑफिस बिल्डिंग्स नहीं है, हल्का सा उससे डिफरेंट है, और रेंट्स थोड़े से कम है कैनरी वॉर्फ से, बट Zone 3 पड़ता है, तो आपको कम्यूट के भी इतने चार्जेस नहीं देने पड़ते, जो कि एक अच्छी बात है इस इन एरियाज़ की, और डिस्टेंस भी सेंट्रल लंदन से इतना दूर नहीं है। कैनरी वॉर्फ और रॉयल डॉक्स में सिर्फ ये एक फ़र्क है कि यहाँ पे इतना इंडियन ग्रॉसरीज नहीं है अवेलेबल, आपको थोड़ा ट्रैवल करके ईस्ट हैम के एरियाज़ में जाना पड़ सकता है अगर आपको मतलब ग्रॉसरी चाहिए। कुछ शॉप्स हैं जैसे नीसा लोकल हो गई, जहाँ पे कुछ कुछ इंडियन ग्रॉसरी मिल जाती है, लेकिन कम्प्लीटली अगर आपको सब कुछ लेना है तो आपको थोड़ा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। एरियाज़ थोड़े ज़्यादा हैपनिंग प्लेसेस में आते हैं, थोड़े रेंट्स हाई हैं यहाँ पे, और हर चीज़ का ही थोड़ा थोड़ा प्राइस आई गेस हाई रहता है यहाँ पे,
तो ये कौन है। लेकिन अगर आप मैरिड कपल हैं, बोथ वर्किंग है, एक को सेंट्रल लंदन जाना है, एक कनेरी वॉर्फ जाना है, तो आई गेस कनेरी वॉर्फ या रॉयल डॉक्स आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती हैं। और कनेरी वॉर्फ के साथ ही एरिया लगता है ग्रेनिच, Zone 3 पड़ता है, और काफ़ी अच्छा एरिया है, लेकिन थोड़ा महंगा है। कनेरी वॉर्फ से भी थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ से भी बिल्डिंग्स के व्यूज़ अच्छे हैं, आपको थेम्स रिवर आपके अपार्टमेंट से दिख जाएगी, तो काफ़ी एक अच्छी लुक एंड फील आती है उस जगह की। तो ग्रेनिश भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेस्ट साइड की। वेस्ट साइड में मोस्टली एरियाज आते हैं, हंसलो हो गया, सलाओ हो गया, साउथ हॉल हो गया, ये इन एरियाज़ में भी इंडियन कम्युनिटी बहुत है। और लेकिन ये है कि ये एरियाज़ बहुत दूर पड़ जाते हैं, जोन 5 सलाओ तो उससे भी बाहर पड़ता है, तो कम्यूट का आपको चार्जेस बहुत ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। तो इन एरियाज़ में रेंट थोड़े से कम है, आपको प्राइजेस थोड़ी सी कम मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे इंडियन ग्रॉसरी इजीली मिल जाती है, हाई स्ट्रीट है, आप कुछ भी बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉज है उस एरिया के, लेकिन वही है कि इट्स वेरी फार अवे, इफ़ यू हैव टू ट्रैवल डेली टू द ऑफिस तो आपको थोड़ा सा दूर लग सकता है। और वहाँ पे आई गेस थोड़े अपार्टमेंट्स की नंबर भी कम है, तो वहाँ पे हाउसेज़ ज़्यादा अवेलेबल हैं, या हाउसेज़ में ही आपको 1 बेडरूम मिल जाएगा। तो ये आपको ये चीज़ देखने वाली है कि अगर आप प्रेफर करते हैं कि किसी और के घर में एक फ्लोर शेयर करना है, या आपको अपना ही अपार्टमेंट अलग से चाहिए, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मेजरली कम्यूट इज़ बिगर प्रॉब्लम, बट वैसे सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के हिसाब से इट्स अ गुड एरिया। इस बात कर लेते हैं साउथ ईस्ट लंदन का एरिया, जिसमें पड़ते हैं ब्रॉमली, बैक्सली हीथ, वेलिंग और पिंगटन। तो ये एरियाज में मेजरली साउथ ईस्ट अपने स्कूल्स के लिए जाना जाता है, बहुत ही अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे, और आउटस्टैंडिंग में मोस्टली पढ़ते हैं। तो ये एरियाज़ में काफ़ी ग्रामर स्कूल्स हैं, ग्रामर स्कूल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्कूल्स माने जाते हैं, काइंड ऑफ टॉप, या आप मान लीजिए काइंड ऑफ ना IIT जैसे इंडिया में होता है, वैसे यहाँ पे ग्रामर स्कूल्स के मामले में आते हैं। आप जिस एरिया में रहते हैं उसी के आसपास के स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। आप अगर किड्स के साथ आ रहे हैं तो आई गेस साउथ ईस्ट लंदन आपके लिए एक अच्छी जगह है, इन एरियाज़ को चेक कर सकते हैं। इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है वहाँ पे, सिक्योरिटी अच्छी है, इतना क्राइम रेट इतना ज़्यादा नहीं है इन एरियाज़ में, ग्रॉसरी शॉप्स काफ़ी हैं, आपको इंडिया का हर तरह का इंडियन सामान मिल जाएगा वहाँ पे। बस थोड़ा सा एक ये कौन है कि आपको दूर पड़ेगा, जोन 4 जोन 5 में आता है, जो ट्रैवल चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं आपके लिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखें। सो दैट्स द वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कि आप कुछ तो इसमें से फ्रूटफुल निकाल सकें। एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन ये एरियाज है जो मैंने चेकआउट करे थे बिफोर फाइनलाइजिंग। तो गाइस ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमें कॉमेंट्स में बताएं कि आप कौन से एरिया में पसंद करते हैं, आप कौन से एरिया में रहना चाहेंगे, आपने क्या रिसर्च करी है, और आप अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। बाय।